सबसे पहला पुष्प, आज मैं सबसे पहला पुष्प जो रखना चाहूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि माँ सरस्वती को याद करना, और जिस महिला शक्ति की बात होती है, आदि शक्ति की बात होती है, जिस आधी आबादी की बात होती है, हो चाहे लोग जितने, फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। तो जो बेटियों का संदर्भ है, मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्नी हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। तो आज डॉक्टर गीता सिंह जी हम सबके बीच उपस्थित हैं, इनको मैंने पहले भी बहुत सुना है, आप बड़े, आपके कविताएं हैं, गीत है, सब कुछ है, और मैं जरूर चाहूंगा कि आज यह जो शब्द श्री का मंच है, जो काव्य श्री का मंच है, जो ये साहित्य का श्री मंच है, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी गरिमा, इसके गौरव के हेतु मैं सबसे पहले डॉक्टर गीता सिंह जी से आग्रह करूंगा अपने कविताओं के माध्यम से न सिर्फ माँ को प्रणाम करते हुए बल्कि अपनी अभिव्यक्ति दें, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर गीता सिंह जी के लिए। समृद्ध और सम्मानित मंच को मैं नमन करती हूँ और उपस्थित दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी काव्य प्रेमियों सुधीजनों को मैं हृदय से नमन करती हूँ। और मैं प्रयागराज से गीता सिंह अपनी दो रचनाओं के साथ आई हूँ। सर्वप्रथम सभी को होली की शुभकामनाएं मैं देती हूँ, उसके बाद मैं माँ शारदे के चरणों में अपनी दो रचना प्रस्तुत करूंगी। स्वागत, स्वागत, स्वागत। और कहते हैं कि जब होली हो तो बात प्रेम की न हो, रंग गुलाल की न हो, जाम की न हो, पैमाने की न हो, मैखाने की न हो, तो फिर आनंद नहीं आता है। तो मैं एक गज़ल पढ़ती हूँ। जब आँखों में प्रेम उमड़ता है तो सारी सृष्टि हरी भरी दृष्टिगत होती है, आसमान से नूर बरसता है और सारी कायनात में अपना महबूब नजर आता है। वाह, वाह। तो मैं गज़ल पढ़ती हूँ, सुनाती हूँ, सुनिए। महक रहा है जर्रा जर्रा, छलक रहा पैमाना मुझ में, यार हमारा खुशबू जैसा गाता एक दीवाना मुझ में। क्या बात है, वाह। महक रहा है जर्रा जर्रा, छलक रहा पैमाना मुझ में, यार हमारा खुशबू जैसा गाता एक दीवाना मुझ में। और हमारा यार है कैसा देखिएगा, पर्वत नदिया झरने जैसा, मीठे जल के सोते जैसा, पर्वत नदिया झरने जैसा, मीठे जल के सोते जैसा, बादे सबा के झोंके जैसा, मौसम हुआ सुहाना मुझ में, बादे सबा के झोंके जैसा, मौसम हुआ सुहाना मुझ में, छलक रहा पैमाना मुझ में। और कहते हैं, मेरे पहलू में अब बैठो, आज जाने की जिद ना करो, इस बात को मैं अपने अंदाज में कहती हूँ। ऐ मेरी नारंगी शामें थोड़ी देर ठहर जा मुझ में, ऐ मेरी नारंगी शामें थोड़ी देर ठहर जा मुझ में, आए हैं सरकार हमारे जागा ख्वाब पुराना मुझ में, आए हैं सरकार हमारे जागा ख्वाब पुराना मुझ में, छलक रहा पैमाना मुझ में। आपके उत्साह वर्धन से मेरा थोड़ा उत्साह और बढ़ेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत श्रेष्ठ गजल पढ़ रही हैं आप। नील गगन में उड़ने वाले भूल नहीं पथ जाना अपना, नील गगन में उड़ने वाले भूल नहीं घर जाना अपना, मैं ड्योढ़ी पर दीप जलाऊं शाम ढले आ जाना मुझ में, मैं ड्योढ़ी पर दीप जलाऊं शाम ढले आ जाना मुझ में, छलक रहा पैमाना मुझ में। और आखिरी शेर है, रंग सके ना कोरा चेहरा कितने रंग लगाने आए, रंग सके ना कोरा चेहरा कितने रंग लगाने आए, कौन तुम्हारे जैसा आया रोज लिखे अफसाना मुझ में,
कौन तुम्हारे जैसा, रोज लिखे अफसाना मुझ में, छलक रहा पैमाना मुझ में, छलक रहा पैमाना। एक बार जोरदार ताली, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। अब एक होली का मैं गीत सुनाऊंगी, क्योंकि उसके बिना तो फिर अधूरा रह जाएगा। कहते हैं कि पता कैसे लगे कि फागुन आ गया है, तो कहते हैं कि जब पुराने और बासी रिश्ते सुहाने लगने लगे तो पता चल जाता है कि फागुन आ गया है। जी सर, थैंक यू सर। और जब मन अनावश्यक अकारण ही फुटेहरा की तरह है, आप हंसने लगे तो समझ लो कि फागुन आ गया है। और जब पेड़ों से रस टपकने लगे, पत्तियों में चटचटाहट आ जाए, तो समझ लो कि फागुन आ गया है। तो ऐसे ही फागुन में प्रकृति रसवंती हो जाती है, नव नवन में शालिनी हो जाती है, तो मनों में भी प्रेम उमड़ जाता है। अब किसी को एक तरफा प्रेम हो गया है, अब एक तरफा प्रेम का हसर क्या होता है, उसको मैं बिंब में प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत स्वागत डॉक्टर, हंसी भी आएगी थोड़ा। जी तो सुनिएगा, भगवान करे एक तरफा प्रेम किसी को हो भी ना। ये तो 90% है। अल्हड़ बयार सीटी बजाई, अल्हड़ बयार सीटी बजाई, सुन खेतन सरसों झूमी गवा। अवधि में है, काफी लोग समझेंगे इसको। जी जी। अल्हड़ बयार सीटी बजाई, सुन खेतन सरसों झूमी गवा, बन उपवन हुलसत देखी देखी, मन फागुन में फगुनाई गवा, मन फागुन में फगुनाई गवा, बन उपवन हुलसत देखी देखी, मन फागुन में फगुनाई गवा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, उत्साहवर्धन के लिए। और बागन माँ कोयल बोली बोली, बागन माँ कोयल बोली बोली, शाखन शाखन पे डोली डोली, बागन माँ कोयल बोली बोली, शाखन शाखन पे डोली डोली, बिछुरा प्रियतम गोहरावती है, हिय की सब राग सुनावती है, बिछुरा प्रियतम गोहरावती है, हिय की सब राग सुनावती है, कुछ खुसुर खुसुर कुछ फुसुर फुसुर, भावरा सनेश पहुंचाई गवा। क्या बात है, क्या क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां की, क्या लोक भाषा में कितने अच्छे ढंग से। कुछ खुसुर खुसुर कुछ फुसुर फुसुर, भावरा सनेश पहुंचाई गवा, और मन फागुन में फगुनाई गवा, मन फागुन में फगुनाई गवा। और जब मन फागुन में फगुना गया, तब आगे एक भीषणतम दृश्य देखिए क्या होता है। हाँ, भीषणतम दृश्य हो। खिड़की से उनके लपकी दपकी, खिड़की से जब मन फगुना गया तब क्या हुआ, खिड़की से उनके लपकी दपकी, हम नैन मटक्का करत रहें, खिड़की से उनके लपकी दपकी, हम नैन जुड़ावन करत रहें, कुछ अपने जीव के कहत रहें, कुछ उनके जीव के सुनत रहें, कुछ अपने जीव के कहत रहें, कुछ अपने जीव के सुनत रहें, अरे तब तक चिर्री भहराई गवा, भैयावन कर लतियाई गवा। तब तक चिर्री भहराई गवा, भैया उन कर लतियाई गवा, मन फागुन में फगुनाई गवा, मन फागुन में फगुनाई गवा। थैंक यू, थैंक यू सर। और अगला और भी भीषण तंद्रिश देखिए। अभी 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 तो भैया लतियाए है ना, अब बाबू देखिए क्या दृश्य होता है। जब होश आई तो पड़ा रहन, जब होश आई तो पड़ा रहन, एक ठी खंभा में बन्हा रहन, जब होश आई तो पड़ा रहन, एक ठी खंभा में बन्हा रहन, मुगदर ले बाबू खड़ा रहन, मुगदर ले बाबू खड़ा रहन,
घम घम की ध्वनि हम सुनत रहे, करवट करवट हम सहत रहे। घम घम की ध्वनि हम सुनत रहे, करवट करवट हम सहत रहे। सब नशा प्यार के फुर्र भवा, सब नशा प्यार के फुर्र भवा, रंग होली वाला झुर भवा। जिंदाबाद। रंग होली वाला झुर भवा, मन फागुन में फगुनाई गवा, मन फागुन में फगुनाई गवा। अल्हड़ बयार सीटी बजाई, खेतन मा सरसों झूम गवा। बनोपवन हुलसत देखी देखी, मन फागुन में फगुनाई गवा, मन फागुन में फगुनाई गवा। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर गीता सिंह जी के लिए।